नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एंजॉय पप्स एंड प्लांट्स में। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मौसम बहुत अच्छा है फूलों के लिए और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। ऑर्नामेंटल प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। देखिए सदाबहार में कितनी ब्लूमिंग हो रही है। और ये हमारा श्रीलंकन टैगोर, और ये देखिए ये अडेनियम, ये पहली बार इसमें बर्ड्स बन रही हैं और अब एक दो दिन में शायद खिल जाएंगी। और ये जो मेरा पुराना वाला अडेनियम है, इसमें भी मैंने बताया था कि बर्ड्स बन रही हैं और अब इसमें भी देखिए ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसके अडेनियम की बात ही कुछ और है, इसकी ब्यूटी अलग ही है। फ्रेंड्स, इस छत पे तो मैंने बहुत शूट किया है, ये तो मेरा कई साल से गार्डन चल रहा है। आज का वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है और मुझको एक नई छत मिल गई है। और इस तरह से मेरा जो ये गार्डनिंग का काम है वो और फैल गया है, क्योंकि उस छत को भी हमें खूबसूरत तो बनाना ही है। और इसलिए वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। और जो मैं प्लांट ले आई थी नर्सरी से, तो उसको मैंने शेयर भी किया था और कुछ चीज़ें नहीं कर पाई जो बाद में ले आई। अभी दो तीन दिन पहले इसी पानी में गाड़ी किसी तरह से निकाल के दीपावली की शॉपिंग की और कुछ पौध ले आई, उसको भी मैंने लगा दिया। उसको भी टाइम नहीं मिला दीपावली की सफाई वगैरह में कि मैं शेयर करूँ, तो उसको मैं पौध लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या हाल है उनका। और सबसे पहले तो बस आपको दिखाती हूँ, आज उस अपनी नई छत से आपको मिलाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल लगी हुई है ये छत, और ये रास्ता है इसका। और अब देखिए ये जो पूरा ओवरव्यू है, ऑलमोस्ट सब तरफ मैंने कुछ ना कुछ लगा ही दिए हैं। और अब दिखाती हूँ कि क्या क्या लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गेंदे की कटिंग लगाई थी और बहुत सारे कटिंग से तैयार किए थे पौधे, और उसमें भी देखिए ये फ्लावरिंग शुरू हो रही है, होने वाली है, बड्स निकल आई हैं। और ये देखिए मैं गोभी की पौध ले आई थी, इसमें वो लगा हुआ है। और इसमें देखिए चने का पौधा निकल आया है, ऊपर लगाया था सेकेंड फ्लोर पर और कुछ सीड्स बच गए थे तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया था। और ये जेट्रोपा का प्लांट है, बीच में उसमें कुछ डिजीज़ लग गई थी तो फ्लावरिंग करना बंद कर दिया था, तो कुछ मैंने बायोएंजाइम्स वगैरह डाले हैं तो अब इसमें बहुत अच्छे ये लीव्स बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं और अब ये फ्लावरिंग भी करेगा। साथ में ये देखिए गेंदा और ये अमरूद का प्लांट ले आई थी नर्सरी से, और इसको भी मैंने, ये 14 इंच की मेरी बाल्टी है उसमें रिपोर्ट कर दिया है। इधर ये इस छत पर भी थोड़ी पालक लग रही है, पालक की बहुत ज़रूरत होती है, मैंने इसमें टब में लगा रखा है। और ये देखिए मेरा टिकोमा का प्लांट, इसी साल लेकर आई थी मैं तो अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन अब लग रहा है कि इसमें कुछ बर्ड्स ही बन रही है। चलिए होप फॉर द बेटर। और ये देखिए अनार का पौधा है और इसमें भी ये फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये मैं डेलिया की पौध ले आई थी, मैंने लगा दिया था और ये देखिए लग गई है। और ये देखिए चमेली, चमेली का प्लांट ले आई थी, अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है और अब इसमें बड्स बन रही हैं और अब ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करने वाला है। और ये देखिए सहजन का प्लांट, बहुत ज़रूरी होता है सहजन, अपने घर में लगाइए टेरेस पर, इसकी पत्ती, इसका फूल और इसका फल, हर चीज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसको भी मैंने अभी तो ये वही 14 इंच वाली बाल्टी में प्लांट कर रखा है। और ये देखिए ये कनेर, येलो कनेर, इसको भी इसी साल लेकर आई थी और अब इसमें बड्स निकल रही है, अभी पहली बार ही फ्लावरिंग करेगा। और ये देखिए रात की रानी, और ये देखिए इसमें भी एक बार ब्लूमिंग हो चुकी है और अब इसमें फिर से बड्स आ रही हैं और बहुत सारी ब्रांचेस निकल आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और ये बीच में मैंने एक लगा रखा है गिलोय का प्लांट, और ये है हरसिंगार पारिजात, इसमें भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है। सब प्लांट्स इसी साल के हैं और लेकिन बड्स अब बन रही हैं, नई ब्रांचेस आ रही हैं तो काफ़ी सारी अब इसमें बड्स बन रही हैं और फ्लावरिंग होगी।
ये देखिए ये बोगनवेलिया, उस छत पर भी मेरे दो लगा हुआ है। ये कुछ अलग सा इसका कुछ गाजरी सा शेड है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इसकी पत्तियाँ, ये अभी 2 दिन से मैं देख रही हूँ येलोइश हो रही हैं, तो कुछ शायद इंसेक्ट अटैक या फंगस इन्फेक्शन है, अभी देखते हैं इसको। ये रोज़ है हमारा, ये भी खिल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मैंने खाद वाद डाली थी, अभी शेयर करूंगी आपको, 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगी गुलाब पर क्या करना है। और बहुत अच्छी इसमें देखिए बड्स निकल रही हैं, हर ब्रांच में बड निकल रही है, 1-2 खिल भी रहे हैं। और ये मेरा चांदनी का प्लांट है, ये भी इसी साल ले आई थी, और अब इसमें देखिए बड्स निकल रही है, खूब सारी इसमें बड्स निकल रही हैं, और ये भी 2-3 दिन में खिलने लगेगा। और एक रोज़ ये है, और ये देखिए कॉक्सकॉम, ये मैं 2-3 साल पहले एक प्लांट लेकर आई थी, और उससे इतने सारे सीड्स हर साल गिरते हैं कि मैं इसको उखाड़ उखाड़ के परेशान हो गई, फिर भी लगा देती हूँ 8-10 प्लांट, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट देखिए अपने आप में। और ये देखिए ये गलाडिया, बहुत सारे लगाए थे लेकिन गर्मी में एक बचा, और कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है गलाडिया, देखिए बहुत सारा एक ही पौधा है इसमें, और बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये तुलसी, और ये गेंदा, और ये हमारा कॉक्सकॉम, और ये गेंदा सब वही हमारे हैं जिसको मैंने लगाया था कटिंग से, और नीचे भी छत पर मैंने लगा रखे हैं कुछ बैगन, और देखिए इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है, बहुत सारे इसमें फल लग रहे हैं छोटे छोटे, इसमें से भी मैं करती रहती हूँ तोड़ती रहती हूँ, और ऊपर तो है ही है, बैगन काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। और ये स्नेक प्लांट एज यूजल हर छत पर हर जगह मौजूद मिलेगा आपको। और एक कोचिया मैंने सारे तो फेंक दिए थे, लेकिन एक ये बहुत हरा भरा दिखा और मुझे इसको फेंकने का मन नहीं किया, तो मैंने इसको रख लिया। इसमें देखिए ये फ्लारिंग्स हुई है, और अब सीड्स बनेंगे, देखते हैं कैसे सीड इसके कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी पूरा हरा भरा था इसलिए उखाड़ने का मन नहीं किया इसको। और ये देखिए ये मैंने एक ही गमले में कई कलर के प्लांट्स लगाए थे, और ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, इसी में सिंगोनियम भी है, ये भी है पर्पल हार्ट, स्नेक प्लांट, वंडरिंग ज्यू, और ये टर्टल वाइन, तो इस तरह से बहुत अच्छा ये लुक दे रहा है। और ये देखिए घूम फिरना, और इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था, और अभी एक पूरा अच्छा भरा प्लांट हो गया है। और ये देखिए अजवाइन का प्लांट है, और ये देखिए ये भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये जंगली लहसुन है, बिल्कुल इसकी पत्तियाँ उसी की तरह होती हैं, बिल्कुल घास की तरह से आप तोड़ते जाइए और ये बढ़ती जाएंगी। और देखिए सतावर का प्लांट है, खूब हरा भरा हो गया है, और ये गुड़हल, गुड़हल भी इसी साल ले आई थी कटिंग वाली, तो अभी तक तो इसमें फ्लारिंग नहीं हुई, लेकिन प्लांट बहुत हेल्दी चल रहा है। और इस तरह से ये भी एक कोई मेडिसिनल प्लांट है, और इसमें बता रहे थे छोटे छोटे फूल आएंगे। और सबसे अच्छा ये देखिए अपराजिता, ये सफ़ेद अपराजिता है, और खूब ब्लूमिंग हो रही है इसमें भी, और ब्लू वाले में भी बहुत अच्छे फ्लावर्स मुझको मिल जा रहे हैं। खाद वही हम देते हैं प्याज के छिलके की और केले के छिलके की, बीच में कई बार सारे फ्रूट्स को मिलाकर भी, जो बताया था आपको मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, सारे फ्रूट्स को इसमें बनाना और एप्पल अनार पपीता सारे मिला के उस खाद बनाकर 3-4 दिन गला के, और उसका भी लिक्विड फर्टिलाइजर मैं देती हूँ। ये देखिए नीली अपराजिता है, आज कम खिली है, और ये देखिए कोलियस, इसमें भी मैंने टर्टल वाइन भी लगा रखा और वन ये पर्पल हार्ट भी लगा रखा है, तो बहुत अच्छा ये भी चल रहा है। और ये देखिए ये जो मैं नर्सरी से लाई थी कुछ फूलों के पौधे, कुछ गोभी की है, सब जो बचे थे जो कंटेनर नहीं थे उसको मैंने छोटे छोटे इनमें लगा दिए ग्लास में जो भी है, और जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये देखिए नीम हमारा एज यूजल उस छत से इस छत पर आ गया है, नई पत्तियां निकल रही हैं इसलिए पुरानी पीली पड़ के गिर भी रही हैं। इसमें देखिए गोभी का प्लांट भी लगा है, और इसमें मैंने बोई है थोड़ी सी डाल दी है बीच बीच में पालक और बथुआ, अब देखते हैं क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है। और ये सब मैं जो सीडलिंग्स लाई थी कैलेंडुला की थी,
कई सारे थे, मुझे नाम पिटूनिया, कैलेंडुला, गोभी की पौध थी और एक आध और फूलों के फ्लावर्स थे जो मैंने लगा दिए हैं, डेलिया वगैरह वो सब है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरे नए टेरेस का लुक है और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।